Hey and welcome back to my channel. This is Megha and today's video is all about how to get rid of pimples. So without further delay, let's get started with the video. So ये video तीन part में होगा. First part में हम discuss करेंगे instant relief of pimples. सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट, जो भी हमारे पिंपल्स से दाग धब्बे हो गए हैं उनको कैसे रिमूव करना है. थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमें फ्यूचर में पिंपल्स ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट जो कि इंस्टेंट रिलीफ है, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक टिश्यू पेपर और एक आइस क्यूब. सो अब इस टिश्यू पेपर की हेल्प से हमें आइस क्यूब को अपने पिंपल वाले एरिया पे हल्का सा मसाज करना है, जिससे कि हमारा जो पिंपल है वो सप्रेस हो जाए और हमें एक इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए. सो द सेकेंड पार्ट इज ट्रीटमेंट. तो इस सेकेंड पार्ट में हमें करनी है दो चीज़ें, पहला तो क्लिंजर और दूसरा हम यूज़ करेंगे एक पैड, जिससे कि हमारे जितने भी स्पॉट्स हैं वो लाइट हो सकें. तो सबसे पहले हम करेंगे क्लिंजर, और इस क्लिंजर पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस एंड वन टेबल स्पून ऑफ हनी. अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा क्लिंजर बनके रेडी है. तो इस क्लिंजर को यूज़ करने से पहले हमें करना होगा फेस वॉश. तो मैंने यहाँ पर अपना फेस वॉश कर लिया है. अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इस क्लिंजर को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी. अब इस लेमन हनी पैक को हमें 5 मिनट तक अपने फेस पे रहने देना है, उसके बाद हम फेस वॉश कर लेंगे. तो सेकेंड ट्रीटमेंट है हमारा पैक. इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ ग्राम फ्लोर और बेसन एंड 1/4 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड रोज वाटर इनफ टू मेक अ स्मूथ पेस्ट. अब हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक स्मूथ सा पैक बनके तैयार है. सो अब इस पैक को आपको अपने पिंपल वाले एरिया पे अप्लाई करना है. आप चाहें तो इस पैक को पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अप्लाई किया हुआ है. सो अब मेरा फेस पैक पूरी तरीके से लग चुका है और अब हमें इसे 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पे रखना है, उसके बाद हम फेस वॉश कर लेंगे. सो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट. इसमें मैं बताऊंगी आपको फ्यूचर में पिंपल्स ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. सो पिंपल होने का मेन रीज़न है जो हमारे स्किन के ऊपर डर्ट होती है और जो ऑयल होता है वो. सो उसको रिमूव करने के लिए हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फेस वॉश. तो हमें फेस वॉश कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. सो पिंपल्स में फेस वॉश करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. लाइक अगर हम फेस वॉश करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें अपने फेस को लुकवॉर्म वाटर से वॉश करना है, जिससे कि हमारे पोर्स ओपन हो सकें और जो भी हमारे स्किन के अंदर की डर्ट है वो बाहर निकल सके. सो इस वॉर्म वाटर से फेस को वॉश करने के बाद में हमें अपने फेस पे फेस वॉश अप्लाई करना है और सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक मसाज करने के बाद में हमें अपने फेस को वॉश कर लेना है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.